हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बोर्ड से आप सभी के लिए पेपर को चुरा लाए हैं। फ्रेंड्स, आप इस पेपर का पूरा यहाँ पे हल जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अंग्रेजी का वायरल पेपर हो चुका है। इस पेपर का संपूर्ण हल आपको बताने वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, जो ये पेपर है 100% रियल पेपर है, जो आपके 2024 के बोर्ड के एग्ज़ाम में यही पेपर आने वाला है। फ्रेंड्स, आप अपना टारगेट यदि 95% बनाए हैं तो आप आसानी से 95% मार्क आसानी से आप अचीवमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको जितने भी पेपर और जितने भी क्वेश्चन कराते रहते हैं उनका आप सॉल्यूशन देखा कीजिए और उसको हल कर लिया कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आपका इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, आप सभी को जो 2024 के बोर्ड के एग्ज़ाम में समय मिलेगा, 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। आपका जो मैक्सिमम मार्क रहेगा 70 नंबर का होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। आप फ्रेंड्स इसके स्ट्रक्चर को पढ़ लीजिएगा। सॉरी दोस्तों, इसके इंस्ट्रक्शन जो होता है, निर्देश जो दिया रहता है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं कि 15 मिनट का जो रहेगा समय, आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलता है और जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसको आप सभी को कंपलसरी हल करना रहता है। आपका जो पेपर है फ्रेंड्स, दो भाग में बटा है, पार्ट ए और पार्ट बी में, ठीक है। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों प्रश्नों को करना है। फ्रेंड्स, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो पार्ट ए है, इसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो 1 नंबर का होगा, ठीक है। फ्रेंड्स, इसको आपको क्या करना है कि जो 20 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसे आपको ओएमआर शीट पर हल करना रहेगा। ओएमआर शीट पर जो फ्रेंड्स इरेजर का प्रयोग आपको, या कट या वाइटनर का प्रयोग आपको नहीं करना है ओएमआर शीट पर। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो पार्ट बी रहेगा, पार्ट बी में आपको डिस्क्रिप्टिव मतलब वर्णात्मक प्रश्न रहेगा, उसको पूरा व्याख्या सहित लिखना रहता है, ठीक है। और यहाँ लास्ट में कहा है कि आपके प्रत्येक प्रश्न के लिए उसके सामने उसका अंक निर्धारित किया गया है। इसके कुछ मुख्य निर्देश थे, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए फ्रेंड्स, पार्ट ए के सभी क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने पार्ट ए है। पहले जब पेपर मिलेगा तो इसी प्रकार से पार्ट ए लिखा रहेगा, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। फ्रेंड्स, जब आपको ये पेपर मिलेगा तो आपके सामने एक ऐसा पैराग्राफ मिलेगा। इस पैराग्राफ को क्या करना रहता है कि आपको केयरफुली पढ़ना रहता है। पहले इस पैराग्राफ को केयरफुली पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इसी पैराग्राफ में से आपको क्वेश्चन पूछते हैं। अभी आपको क्वेश्चन दिखाएंगे फ्रेंड्स, आप इस पैराग्राफ को एक बार ध्यान से पहले पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड, डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स एयरली इन लाइफ, इसको पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। पहले चलिए आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, फिर इसके बाद इसका आंसर दिखाएंगे आपको। देखिए फ्रेंड्स, आपका पहला प्रश्न पूछा है उसी पैराग्राफ से देख के बताना। अभी पैराग्राफ दिखाएंगे, पहले आप इस प्रश्न को देखिए। देखा, डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ए चाइल्ड बिकॉज, ये इसका सामने ऑप्शन, इसमें से आपको इसका आंसर देना रहेगा। तो चलिए पैराग्राफ पहले देखिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, पैराग्राफ में जो आपको चाइल्ड के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे देखिए, जब इस पैराग्राफ को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसी में उसका आंसर मिल जाता है, ठीक है। जब डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स ईयरली इन लाइफ, डिसिप्लिन एट होम मेक्स फॉर द फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ चाइल्ड। देखिए चाइल्ड के बारे में अब उसमें ऑप्शन जो 4 दिया है, जब चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो देखिए यही ऑप्शन पूरा उसमें लिखा है। अभी आपको दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए क्या है, इट फॉर्म्स हिज हर कैरेक्टर एंड मेक्स हिम हर ए फिट सिटीजन, यही आपको क्या हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा। चलिए आपको पैराग्राफ में जो पूछा है उसको दिखाते हैं फ्रेंड्स। पहले क्वेश्चन को फिर देखिए, फिर ये आंसर मिलाएगा एकदम सेम टू सेम, यही मिलेगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पूछा है, डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ए चाइल्ड, चाइल्ड के बारे में पूछा है ना, अभी बताएं। देखिए अब चाइल्ड के बारे में पूछा है तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन को देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले से लगा दिया है, इसका सही जवाब डी वाला होगा। यही पैराग्राफ में लिखा था फ्रेंड्स, आपको जब दिखाएं देखिए एक बार, इट फॉर्म्स हिज हर कैरेक्टर एंड मेक्स हिम हर ए गुड सिटीजन, इसका आंसर कौन सा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट था। इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ते हैं, पैराग्राफ में से ही इसका आंसर आपको छाट के लिखना रहता है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है उसी पैराग्राफ से है, कि ए डिसिप्लिन्ड चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी ए। तो फ्रेंड्स, जब प्रश्न आप पढ़िएगा तो उसमें देखिए ग्रो अप टू बी कहाँ लिखा, उसके अगला वाला लाइन ही आपका आंसर होगा। ये इसका क्या नाम ऑप्शन है, प्रॉब्लमेटिक पर्सन, सेंसलेस पर्सन, यूजफुल मेंबर ऑफ ए सोसाइटी,
पुअर फेलो। इसमें देखिए इसके आगे जो लिखा होगा फ्रेंड्स वही होगा। चलिए पैराग्राफ को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स पैराग्राफ को अब जब हम क्या केयरफुली पढ़ेंगे तो देखिए हम पहले से ही निशान लगा दिए जिससे आपको इसमें समय बर्बाद ना हो। पहले आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए आपको बताएंगे ग्रो अप टू बी जहाँ लिखा है उसके आगे वाला लाइन ही यदि आपके ऑप्शन में मिलता है वही जवाब होगा। देखिए ये प्रश्न पूछा गया था इसके आगे वाला लाइन क्या दिया है आपके ऑप्शन में दिया है यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी थी यही वाला इसका क्या हो जाएगा सही जवाब होगा। चल ठीक है फ्रेंड्स तो देखिए इस तरह पैराग्राफ से ही छाट के लिखना है आपको। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स दूसरा नंबर का जो ग्रो अप के आगे लिखा था यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी थी यही इसका क्या हो जाएगा सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स जो तीसरा वाला प्रश्न है ये भी आपके पैराग्राफ से ही पूछा है लेकिन प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रिक्वेंटली एज यूज्ड इन ए पैसेज यानी कि यहाँ पे जो फ्रिक्वेंटली लिखा है इसका अपोजिट क्या होगा विपरीत ये शब्द आपका जो दिया है पैराग्राफ में दिया है इसका अपोजिट क्या होगा। देखिए ऑफन रेयरली मोस्टली तो फ्रिक्वेंटली का क्या होगा इसको याद करना पड़ता है फ्रेंड्स। फ्रिक्वेंटली का अपोजिट जो होगा रेयरली होता है तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए अब क्वेश्चन जो यहाँ पे देता है ना निर्देश इसको आपको पढ़ना रहता है ध्यान से पढ़िएगा। दिया क्या है क्वेश्चन नंबर 4 to 8 यानी 4 से 8 तक जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसमें कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यानी कि जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है उसमें से जो ऑप्शन उसमें से सही वाला जवाब कौन सा उसका आंसर देना है। ठीक है अब देखिए फ्रेंड चौथा नंबर का है कि द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर अब इसके आगे क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये टेंस है आप सभी को टेंस पढ़ा रहे हैं आप सभी को टेंस पता होगा। इस टेंस को यदि आप पढ़ रहे होंगे द ट्रेन विल हैव लेफ्ट हैज स्टेशन बिफोर ही देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जब आपका प्रेजेंट क्या रहता है प्रेजेंट परफेक्ट रहता है तो अगला वाला टेंस किस में बनता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही के साथ क्या लगेगा रिचेज लगेगा। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका टेंस से सवाल पूछा गया था। ठीक है अब देखिए पांचवा नंबर का है फ्रेंड्स कि इफ़ यू डू नॉट डू योर वर्क केयरफुली यू आर तो इसको लिखना है कि देखिए इफ़ यू डू नॉट डू यू वर्क केयरफुली यू आर इसका क्या होगा केयरलेस हो जाएगा क्या होगा एक वर्ड में केयरलेस हो जाएगा। ठीक है यानी कि देखिए इफ़ यू डू नॉट योर केयर वर्क केयरफुली यानी कि जो अपना काम केयरफुली नहीं करता है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स तो केयरलेस उसको क्या कहते हैं केयरलेस कहते हैं। ठीक है तो इसको एक शब्द में लिखना था इसका सही जवाब सी वाला हो जाएगा। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स छठवां नंबर का सवाल क्या है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस यानी कि जो यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स आपका अलग अलग करके शब्दों में दिया इसको क्या करना है कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है तो इसी में से आपका जवाब मिलेगा। तो आपको फ्रेंड्स पता है कि जब टेंस का आपको अलग अलग देता है तो पहले आपको सब्जेक्ट लगाना रहता है तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे दीज बॉय साथ में आएगा दीज बॉय पहले लग जाएगा। ठीक है दीज बॉय के बाद आपका एक सहायक क्रिया आता है देखिए आप पढ़ते होंगे तो इस तरह लगता है दीज बॉयज ये हो गया आपका सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद अब उसका सहायक क्रिया क्या होता है तो ये डू है तो डू के बाद नहीं है ना तो नहीं डू नॉट लग जाएगा। आपको पढ़ा रहा है टेंस आपको पता होगा फ्रेंड्स आपका टेंस भी कंप्लीट हो चुका है तो आपको ये सब समझ में आ रहा होगा दीज बॉयज डू नॉट इसके बाद क्या होता है वर्ब होता है तो प्ले है और लास्ट में क्या फुटबॉल है तो फुटबॉल लिख लीजिए फुटबॉल। अब इसको ऑप्शन में खोज लीजिएगा जब ऑप्शन में खोजेंगे तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दीज बॉय डू नॉट प्ले फुटबॉल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ये वाला आपका सही हो जाएगा जवाब क्या हो जाएगा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे आपका मिस्टेक हो गया ये सी वाला ऑप्शन गलत है ये सी वाला नहीं होगा। यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है क्वेश्चन मार्क भी लगाना है तो आपको सहायक क्रिया पहले होता है तो इसका देखेंगे तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा डू दिस बॉयज नॉट प्ले फुटबॉल तो इसका सही जवाब बी वाला होगा ना ये गलत ऑप्शन लगा था ये गलत है। ठीक है इसको सही कर लीजिएगा। देखिए आपका सातवां नंबर का क्या है सवाल फ्रेंड्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड यानी कि स्पेलिंग किसका गलत है। तो देखिए फ्रेंड जब ये आपको मीनिंग याद रहेगा स्पेलिंग तब आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। ठीक है तो देखिए इसका क्या है कि ये जो ए वाला है ये इसमें इसमें स्पेलिंग सही नहीं है गलती है। ठीक है जिसके बी और सी डी का स्पेलिंग सही है। ठीक है तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा आठवां नंबर का देखते हैं फ्रेंड्स मीरा लुक्स हर पेरेंट वेरी वेल देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि एक प्रीपोजिशन दिया है इसमें प्रीपोजिशन भरना था तो देखिए मीरा लुक्स
यहाँ पे अप भरा जाएगा, इन भरा जाएगा, डाउन भरा जाएगा या आफ्टर, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, आफ्टर भरा जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 10 तक क्या कर रहा है, इसको केयरफुली पैसेज को पढ़ना है, इसी पैसेज को पढ़ के इसका आंसर देना है। देखिए फ्रेंड्स इस पैराग्राफ को आपको ध्यान से पढ़ना रहता है और इसी में से इसका जवाब मिलेगा। जब इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ध्यान से पढ़ेंगे फ्रेंड्स, फिर इसके बाद इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स इसको आप पढ़ लीजिएगा, हम सीधे आपको क्वेश्चन पे ले चलते हैं। देखिए क्या है, द ऑथर्स फादर डिड नॉट मैरी अंटिल ही वाज, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि जो ऑथर के पिता है उनकी क्या थी, कि शादी कब नहीं हुई, डिड नॉट मैरी अंटिल वाज। देखिए अब इस प्रश्न का आंसर कैसे खोजेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है कि माई फादर ही मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव इवर सीन डिड नॉट मैरी, देखिए यहाँ पर लिखा है ना मैरी माई मदर अंटिल ही वाज 36, क्या लिखा है फ्रेंड्स 36, तो मतलब हुआ क्या है, देखिए वह पुरुष के लिए होता है ना, आपको पता है यहाँ किसके बारे में पूछा है, फादर के बारे में पूछा है, तो फादर के लिए है, तो फादर के लिए होगा ही, तो कितने साल के थे 36, इसका सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे सी वाज 25, तो देखिए इसमें 25 भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ये किस लिए नहीं सही होगा, सी है ना, यहाँ पे यदि लिखा रहता मदर लिखा रहता फ्रेंड्स ना यहाँ पे, तो मदर लिखा रहता तो 25 फॉलो हो जाता, लेकिन लिखा ही जो होता है यूज किसके, पुरुष के लिए होता है, इसलिए इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स 10वां नंबर का सवाल आपका है, इसी पैराग्राफ में से बताना है, इसको ध्यान से पढ़िए, इसमें ये लाइन खोजिएगा लिखा क्या है, द ऑथर्स फादर इमिग्रेटेड टू होलैंड इन, देखिए ये लाइन जब खोजेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा फादर मिल गया, इमिग्रेंट टू होलैंड है इन, देखिए कब है 1933, इसका सही जवाब कौन सा होगा, सी वाला। तो फ्रेंड्स ये इसका जवाब आपको पैराग्राफ में से ही मिल जाता है, ठीक है, तो आप उसको ध्यान से पैराग्राफ को पढ़ा कीजिए, आपको इसमें हिंदी निकालने की जरूरत नहीं है कि इसका हिंदी क्या पे निकलेगा, आप पैराग्राफ खोजा कीजिए कि पैराग्राफ है कहाँ पे, उसी में से उसका आंसर मिल जाता है। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं, देखिए आपके 11 नंबर का 11 से लेकर 13 तक का चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, देखिए अब यहाँ से 11 से लेकर 13 तक जो प्रश्न दिया है फ्रेंड्स आपके बुक से प्रश्न पूछा था, इसके पहले वाला जो था आपके ग्रामर से था, कुछ आपके पैराग्राफ दिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो तीन प्रश्न यहाँ पे 1, 2, 3 प्रश्न जो दिया है आपके बुक से है, यदि आप बुक जान रहे होंगे तो इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं पढ़े होंगे तो। देखिए क्या है कि लेंचो रोड टू गॉड If you do not help me, my family and I will go this year. तो यहाँ पर क्या था, आप देखिए लेंचो के बारे में पढ़े होंगे तो क्या था, हंगरी था, इसके सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स 12वां नंबर का सवाल जो आपके पेपर में आने वाला है कैसा है कि द यहाँ पर खाली स्थान है took place in the lowly sandstone infitted field and fitted farm by the union बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये सब आपकी किताब से दिया है फ्रेंड्स, आप किताब को पढ़िएगा ध्यान से, आपके किताब से सवाल पूछते हैं। ठीक, द गर्ल, देखिए ये है 13वां नंबर का, देखिए ये 13वां नंबर का सही जवाब सीधा लगा लीजिए, क्या आ जाएगा, वैली। ठीक है, बुक से है, आप इसको लगा लीजिए फॉरेस्ट शॉट, तो इसको आप क्या लगा, बुक से बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 14 से 15 नंबर फिर पैराग्राफ का आ गया, यह भी आपके क्या है, आपके बुक से ही है। देखिए 14 से 15 तक सवाल आपको पैराग्राफ पढ़ के देना है। देखिए क्या है कि रीड द गिव एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आप इसको क्वेश्चन को पढ़ना है और इसके हिसाब से इसका आंसर देना है। क्या है कि द वे क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, देखिए क्या डस्ट ऑफ स्नो के चैप्टर से यह पैराग्राफ लिया गया है, इसी में से इसका आंसर आपको यहाँ पे देना है। देखिए 14वां है कि व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, इसका सही जवाब क्या होगा, आप बुक पढ़ रहे होंगे तो इसका सही जवाब आप तुरंत निकाल सकते हैं, पार्टिकल्स ऑफ स्नो। ठीक है, अब देखिए 15वां नंबर का सवाल क्या है फ्रेंड्स, नेम द पोएट ऑफ एवब लाइन्स, ये क्या है, रॉबर्ट किसने लिखा था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था, इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप बुक को ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स, ठीक है, उसमें से मैक्सिमम सवाल पूछते हैं। देखिए फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका क्या है कि बुक से दिया है, तो ट्रिकी के बारे में पढ़े होंगे, ट्रिकी वुड टैकल ए मील एट एनी आवर बिकॉज हिज ओनली फॉल्ट वाज, तो क्या था फ्रेंड्स, आप बुक में पढ़ रहे थे, इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। देखिए फ्रेंड्स 17वां नंबर का है कि इन 2 वीक्स ट्रिकी हैड बीन
ट्रांसफॉर्म इनटू ए लीथ हॉट मस्कल्ड, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा, एनिमल होगा, ठीक है। देखिए 18वां नंबर का सवाल क्या है कि लूसी सफर्ड फ्रॉम, इसका देखिए तीनों सही, ए बी सी तीनों सही जवाब होगा, इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस पूरे पेपर को फ्रेंड्स आप पूरा बाकायदे हल करके जाइए, आपको पूरे प्रश्न को आपको बताने वाले हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स 19 नंबर का सवाल आपकी किताब से है, आपको यहाँ पे दो चीज़ पता चल जाएगा, ग्रामर से कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। ग्रामर से भी आपके बहुविकल्पी बनते हैं, इसके अलावा आपका जो बुक है, ठीक है, आपके बुक से भी आपके बहुविकल्पी के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं, इन प्रश्नों का आप ध्यान दीजिए। देखिए क्या है, भोली फादर रामलाल हेड, देखिए फ्रेंड्स आपको यदि बुक पढ़ेंगे तो इसमें पता होगा इसका सही जवाब क्या होगा, थ्री सन्स एंड फोर डॉटर्स थे, कितने थे कि थ्री सन्स थे और फोर डॉटर्स थे। अब देखिए 20वां नंबर का सवाल फ्रेंड्स है, देखिए क्या है, बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल और कवर्ड एज माई हस्बैंड, वाट डज दिस स्टेटमेंट सजेस्ट, मतलब किसके बारे में कहा गया था, ये तो कहा गया था भोली वास बोल्ड के बारे में, किसके बारे में कहा गया था, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपके 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बहुविकल्पी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं और 2024 के पेपर में यही आने वाला है, तो इस पेपर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए 20 क्वेश्चन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए, अब चलिए लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में किस प्रकार से पूछने वाला है, कौन सा क्वेश्चन आने वाला है उसको देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ से पार्ट बी स्टार्ट होता है, पार्ट बी में क्या करना है, इस तरह पैराग्राफ एक दो मिलता है, इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना रहता है, इसका आंसर देना रहता है। जब फ्रेंड्स यहाँ से रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो, देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को जैसे रहीम एंड हुसैन वियर नेबर, यहाँ से लेके यहाँ तक पैराग्राफ को आप ध्यान से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि वाई वाज रहीम जीलियस ऑफ हुसैन, यानी हुसैन से रहीम क्यों जीलियस करता था, ठीक है। यहाँ पे जब पैराग्राफ पढ़ेंगे जहाँ पे ये लाइन नज़र आएगा उसी के आगे वाला आंसर आपको लिखना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसको जब ध्यान से पढ़ेंगे फ्रेंड्स देखिएगा जीलियस कहाँ पे लिखा है, वही वाला लाइन उठा के आप लिख देंगे तो आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। फिर इसके अलावा बी वाला है कि व्हाट डिड रहीम कंप्लेन टू द जज, यानी कि रहीम जज से कंप्लेंट किया। अब देखिए ये कंप्लेन वाला शब्द जहाँ पर मिलेगा कंप्लेन, ठीक है, देखिए यहाँ से ही सेड टू जज, यहाँ पे है ना ही सेड टू जज, इसके आगे वाला लाइन भी लिख देंगे तो इसका आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। फिर इसके बाद सी वाला ऑप्शन देख रहे सी वाला प्रश्न देख रहे डी वाला, इस तरह पढ़ के इसका आंसर देना रहता है। आप ध्यान से एक बार देख लीजिए सभी प्रश्नों को, ठीक है, और यदि नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, इसका हम बकायदे आपको पूरा बकायदे इसका आंसर लिख के भी आप सभी को बता देंगे, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर 22वां नंबर का सवाल है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, राइटिंग लिखना रहेगा, 22वां नंबर 4 नंबर का पूछेगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, राइट ए लेटर टू योर मदर रिक्वेस्टिंग हर टू सेंड योर सिस्टर फॉर एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज टू कंटिन्यू हर स्टडीज, माने कि इसमें आपको क्या करना था कि आपके बहन का जैसे आपको यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज में आपका स्टडी के लिए क्या करना है, एडमिशन कराना है, उसके लिए आपको एक राइटिंग एप्लीकेशन लिखना है, जो 4 नंबर लेटर लिखना है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर लेटर है तो कितने नंबर का, 4 नंबर करेगा, यदि ये आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो इसके अलावा आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। दोनों में से चाहे एक आपको लेटर आ रहा है तो लिखिए या एप्लीकेशन आ रहा है तो उसका आंसर आपको लिखना था जो 4 नंबर का है, ठीक है। देखिए क्या है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट योर फुल कंसेशन, यानी फुल फीस कंसेशन के लिए फ्रेंड्स आपको लिखना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स आप जब इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको फुल फी कंसेशन का एकदम सिंपल लैंग्वेज में और बहुत छोटे शॉर्टकट में आपको बताएं, यदि उसको भी आप लिख लेते हैं तो आपको 4 नंबर पूरा एग्जामिनर देगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स 23वां नंबर का सवाल आपको क्या है, जो 6 नंबर का आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। देखिए क्या है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन अबाउट 80-100, यानी 80-100 शब्दों में ट्री के बारे में, ट्रीज के बारे में आपको लिखना रहेगा, जो 6 नंबर का रहेगा। और देखिए इस पे हिंट्स दिया है, इसी पे आपको लिखना है। देखिए टाइप ऑफ ट्रीज, यानी ट्रीज के प्रकार पर लिखना है, देयर यूटिलिटी इन्वायरमेंट और प्रोडक्ट्स के बारे में, दे गिव
फ्रूट्रीज एंड ह्यूमन हेल्थ के बारे में योर इम्प्रेशन, यानी ये आपको हेडिंग के तौर पे ये पहले से दे चुका, इसी हेडिंग को आपको हेडिंग बनाना था और इसी पे आपको दो चार लाइन लिख के कम से कम 80 से 100 शब्द लिखना था जो 6 नंबर का था। ठीक है, देखिए फ्रेंड, जिस प्रश्न का आंसर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ना, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका हम व्याख्या के सहित आपको पूरा हल करवा देंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न आ रहा था, ठीक है, नहीं आ रहा था, इसके अलावा आर मतलब होता है अथवा, ये वाला प्रश्न कीजिए या इसके अलावा दूसरा प्रश्न कर सकते हैं। राइट एन आर्टिकल ऑन, देखिए आप क्या लिखना है, ए पब्लिक पार्क के बारे में लिखना है, आप उसके पब्लिक पार्क के बारे में लिखना है जिसपे से आपको हेडिंग दिया है। पहला है कि नीड अ पार्क इन सिटीज एंड टाउन, या हेडिंग डालिए, इसके बारे में दो तीन लाइन लिख लीजिए। फिर इसके बाद पार्क इन आवर सिटी, लिखना है, इसके बाद दो तीन लाइन लिखना रहता है। द बेस्ट पार्क ऑफ आवर सिटी, एक दो लाइन लिख दीजिए। इट फ्यूचर फीदर्स, इसके बारे में फीचर्स के बारे में लिखना है उसका। इट एडवांटेज के बारे में, योर ओपिनियन के बारे में, इतने हेडिंग डालना था, दो दो तीन तीन लाइन बस लिखना है, जो आपको क्या था 80-100 वर्ड्स हो जाएंगे आराम से। ठीक है, ये भी आपका 6 नंबर था, चाहे आप इस वाले प्रश्न कीजिएगा या अगले वाले प्रश्न को हल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगले नंबर के सवाल को दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 24 नंबर का सवाल जो है आपके, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाई चेंजिंग इनडायरेक्ट। देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट जो स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होता है उसमें इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना कितने नंबर का, दो नंबर का। ठीक है, माई फादर सेड टू मी, डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज, तो इसके बारे में यदि आपको बस एक लाइन क्या है इसका, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है जो दो नंबर का है। फिर इसके अलावा चेंज द फॉलोइंग इंटू पैसिव वॉइस, यदि आप इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कितने नंबर का है मिलेगा, दो नंबर का रहेगा। ठीक है, फिर इसके अलावा पंक्चुएशन द फॉलोइंग, राम डू यू लाइक माई ड्रेस सेट शाह, ये भी आपका दो नंबर की, ये ग्रामर से थे आपके। ठीक है, फिर इसके अलावा ग्रामर से एक ट्रांसलेट द फॉलोइंग इंटू इंग्लिश, यानी इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो चार नंबर का रहेगा। ठीक है, इसको पूरा एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ एक बाग में घूमने गया, इसको क्या करना था कि ये हिंदी दिया इसका इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, यदि आप इंग्लिश में लिखते हैं तो चार नंबर मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला नंबर का आपका है, देखिए 3-3-6 नंबर का है, यानी कि यहाँ पे पहले प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है। यहाँ पे दो प्रश्न ए और बी, यदि एक को करेंगे तो तीन नंबर, दूसरे वाले को करेंगे तीन नंबर। यहाँ पे दो प्रश्न है, देखिए, व्हाट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफ इन हिज लेटर टू गॉड, ये प्रश्न का आंसर यदि आपको पता है तो इसको लिखिए। या इसके अलावा विच एरिया इज इनहेबिटेड बाई ए प्राउड मटेरियल रेस, ठीक है, एंड वाइल्ड क्रीचर्स, तो इन दोनों में से किसी एक का ही जवाब देना था, दोनों का नहीं था, इन दोनों में से किसी एक का। देखिए बी वाला, ये तीन नंबर का था, बी वाला जब है, बी वाला देखिए फ्रेंड्स क्या, हु इज द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू मिस्टर मंडेला, यानी इसके बारे में आप पता है तो इसका आंसर दीजिए, या दूसरे प्रश्न के बारे में पता है दूसरा वाला आंसर आप दीजिए। यदि आप इसको हल करते हैं तो आपको दो प्रश्न करना है तो कितना नंबर, 6 नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, 26वां नंबर का सवाल देखिए आप। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिए, आपको एक ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप इंग्लिश के पेपर को आसानी से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, एंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, आपको देखिए दो प्रश्न दिए, इन दोनों में से किसी एक का ही जवाब देना है जो चार नंबर का रहेगा। इसमें से हाउ डिड नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द स्किन्स ऑफ द इनॉग्रेशन, ठीक है, तो देखिए ये तीन नंबर का, इसका आंसर दीजिए या इस वाले का, इन दोनों में से किसी एक का देते हैं तो आपको चार नंबर फ्रेंड्स मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, 27 नंबर का प्रश्न आपका है, ये सब आपके बुक्स से है। ठीक है, देखिए क्या है कि मेंशन थ्री थिंग्स डैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डू डोंट, ठीक है, कितना नंबर का है, तीन नंबर का, इस प्रश्न को हल कीजिएगा। इसके अलावा ये आपके सभी एक किताब से मैक्सिमम सवाल फ्रेंड्स पूछते हैं, आप इन सब प्रश्नों को देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं जो आपके पेपर में आने वाला है, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, 28 नंबर के यहाँ पर सवाल देखिए, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40-50 वर्ड में लिखना, जो तीन नंबर का। देखिए फ्रेंड्स, सेंट्रल आइडिया ये फिक्स है, हर साल देता है आपको, अमांडा या फायर एंड आइस या फागी, जो तीनों आपके पोयम है, इन तीनों में से किसी एक का ही सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। यदि आपको सेंट्रल आइडिया नहीं लिखना आता तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम सेंट्रल आइडिया भी आपको लिखना बता देंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आपको 29वां नंबर का सवाल है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। देखिए क्या है, एंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30-40 वर्ड में लिखना है। देखिए यहाँ पे दो प्रश्न दिया है, दो प्रश्नों में से आपको किसी एक का ही जवाब देना है। पहला आपका है कि हाउ मैनी रुपीज डिड हरीश सिंह फाइंड व्हेन ही
काउंटेड द नोट्स, इसको कीजिएगा, या इसके अलावा आप बी वाला ऑप्शन, दोनों में से किसी एक का आंसर आप एग्ज़ाम में दे सकते हैं, ठीक है, जो दोनों में से आपको पता हो। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, आपका चार नंबर का जो सवाल आने वाला है क्या है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, ठीक है। देखिए आप ए वाला कीजिए या ये, इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको पेपर में हल करना रहता है। देखिए फ्रेंड्स, आपके जो 2024 के पेपर में आने वाले हैं वो पूरा का पूरा प्रश्न आपको दिखा चुके हैं, उस पूरे प्रश्न को आप एक दो बार पढ़ के जरूर बोर्ड के एग्ज़ाम में जाइएगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको किसी प्रश्न पे यदि डाउट होता है, नहीं समझ में आता है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उस पर भी आपको वीडियो बना के अपलोड कर देंगे और अच्छे से समझा देंगे आपको, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको पेपर आपको बताने वाले हैं और उसमें से बहुविकल्पी और लॉन्ग क्वेश्चन को हल कराने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखिए आपको जो एक मेन पॉइंट बताने वाले थे आपको इंग्लिश के बारे में, देखिए फ्रेंड्स, जिस देखिए आपको एक वीडियो ऐसा आप सभी के लिए अपलोड करेंगे, यदि आपको इंग्लिश के पेपर में कुछ भी नहीं आता है तो आप आसानी से इंग्लिश के पेपर में आसानी से पास हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।